राजसमंद जिला मुख्यालय पर रोडवेज के एक परिचालक की ईमानदारी की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद स्वयं पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उस परिचालक का सम्मान किया। बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मानसी बहारट वहां पहुंचे और बड़ी संख्या में लोगों ने उस एक परिचालक का सम्मान वहां पर किया। और जो पूरी घटना हुई है उसके अनुसार, मामला 17 सितंबर का है, जब पीपली नगर निवासी डाली देवी चौहान देवगढ़ से राजसमंद डिपो की बस में बैठती है और वहाँ से फिर अपना वो बैग होता है वो गाड़ी में ही भूल जाती है। और फिर जब 18 तारीख को परिचालक से संपर्क किया जाता है तो परिचालक, जिनका नाम रामेश्वर चौधरी बताया जा रहा है, वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका बैग मिल गया है, वो मेरे पास है और मैं 20 तारीख को लाऊंगा, आप आ जाना और ले लेना। जब ये खबर दूसरे लोगों तक पहुंचती है, व्यापार मंडल के जानकारी में आती है, तब वो इस परिचालक के सम्मान का एक आयोजन बनाते हैं। तो वो आज जब परिचालक यहाँ आए तो न केवल उनका सम्मान किया गया बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में सभी लोग वहाँ जो खड़े थे उनकी प्रशंसा करते दिखाई दिए। पहले तो सुनिए आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर जिनका बैग खोया है वो और साथ ही वो परिचालक रामेश्वर चौधरी क्या कुछ कहते हैं। वो एक बैग जो है ये रैक में रखकर भूल गए थे और दूसरे दिन उनको याद आया था, तब ये बैग जो है हमने काफी पता किया था, यहाँ पर रिपोर्ट में आकर भी पता किया था, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो सबने दिया ही था बट कोई कंफर्मिटी नहीं थी क्योंकि हमने बस वगैरह सब चेक किया था, सामान नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या बोले या कोइंसिडेंटली बोलिए कि ईमानदारी की मिसाल एक जो मिलनी चाहिए वो हमको नजर आई और हमारी रामप्रसाद जी से बात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या क्या सामान था, तो उनको सच सच हमने बता दिया कि इसमें सोना वगैरह भी था और कैश वगैरह भी था और बैंक का और ATM वगैरह, आधार कार्ड, पान कार्ड, टोटल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबियां, ये वो सब इसी बैग में थी। और इसी के लिए मैं रामप्रसाद जी जो ड्राइवर है और राधेश्याम जी जो है हमारे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और राजसमंद डिपोर्ट के ओर से सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहती हूँ। आपका शुक्रिया। ज्योत्सना चौहान। उसमें क्या है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, 2-3 पासबुक और उसमें उनका कैश, गोल्ड वगैरह ये सब उसी में थे। तो फिर मैंने उसमें फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, फोन नंबर नहीं मिले उसमें जी। फिर मैं मेरे रूम पे रख के ड्यूटी पे था, जो शाम को लेट तो पहुंचा जी। और दूसरे दिन जब ड्यूटी पे वापिस जा रहा था, ड्राइवर साहब को शाम को बताया था, मैंने कहा ये मामला है जी। फिर उन्होंने बताया कि चलो जिसका फोन आएगा तो एड्रेस पूछ के उनको दे देंगे जी। फिर इनको मेरे यहाँ देवीलाल जी ने, इन्होंने इनके पास फोन आया, फिर मेरे पास इनका फोन गया, मैंने इनका नाम पूछा जी। मैंने कहा आपका नाम क्या है कि मेरा नाम ये है, मैंने कहा सही है, बैग आपका ये है और मेरे को मिला है ठीक है। और मैं ड्यूटी पे से जयपुर से आने के बाद मैं वापस लौटा दूंगा, ये 17 तारीख की बात थी और आज हम वापस यहाँ राजनगर इनको वापस जिनका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौधरी है। तो देखा आपने, दोनों ही तरफ से जो बातें निकल कर आ रही है उससे हमें कहीं ना कहीं एक ये सबक भी मिलता है कि इस प्रकार की चीज़ें जो घटित होती है उस क्षणिक स्वार्थ और लोभ को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर प्रशंसाओं के एक बहुत बड़े लंबे चौड़े क्रम चलते हैं और बात तब और भी बढ़िया हो जाती है जब प्रशंसा जिले के पुलिस मुखिया के माध्यम से आए। तो राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी भी वहाँ मौके पर थे, उनके माध्यम से स्वागत किया गया। सुनिए आखिर वो इस पूरे घटनाक्रम के क्या कुछ कहते हैं। समस्त राज कर्मचारी जो होते हैं उनको सदैव अपना जो जीवन है और अपना जो कार्य प्रणाली है उसको बहुत ही शुचिता और गंभीरता से लेना चाहिए, साथ साथ ईमानदारी का परिचय भी देना चाहिए। ये एक मिसाल है कि समस्त राज कर्मचारी हो या कोई भी नागरिक हो या कोई भी कॉमन मैन हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे पास में किसी की ऐसी संपत्ति या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे पास आता है जिसकी कोई जानकारी उसे नहीं होती, उसको ईमानदारी से उसके मालिक तक में पहुँचाना चाहिए। ये ना केवल मिसाल है राजस्थान रोडवेज के उच्च कार्य प्रणाली की बल्कि राजस्थान के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस एग्जाम्पल से मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस एग्जाम्पल को हम कोट करेंगे और वहाँ पर अपनी कार्यप्रणाली में स्वच्छता और अच्छी कार्यप्रणाली के लिए उन लोगों को प्रेरित करेंगे। ये एग्जाम्पल है जिससे कि लोग ना केवल अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी के साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन भी करें।